वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में भी आपको इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। फिर उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो क्या कारण थे ये बताना है। तो इसमें देखिए राइट आंसर है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में, फौज भी उसकी बेहतर थी और देशद्रोही शासकों से उसको सहायता भी मिली थी। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस समय उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है आम्भी, पुरुपोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महापद्मनंद। तो वो वीर शासक थे पोरस, ठीक है, पुरु नाम से भी जाना जाता है, जिसने सिकंदर को झेलम नदी के तट पे पराजित कर दिया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था ये बताना है। निर्याकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस या फिर अरिस्टोब्यूलस। तो कौन था जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो वो था डाइमेकस। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत में आए हुए थे। फिर है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। फिर है निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, प्लिनी ने, जस्टिन, स्ट्रैबो या फिर मेगास्थनीज ने। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर है जस्टिन। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा जनक के। तो राइट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। ठीक है, फिर है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर देवगुप्त। तो इनका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, ये इनके नाम थे और ये अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। फिर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, एक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। फिर है निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग का सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है, जनपद, दुर्ग, मित्र या फिर कोष। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है मित्र, राज्य का सातवां अंग होता है मित्र। आप लोगों के लिए यहीं पे एक सवाल है कि राज्य के साप्तांग सिद्धांतों के अनुसार 1 से 7 वर्गों में जो बांटा गया था उनका आप नाम मेंशन कीजिए, 1 से लेकर के 7 तक पूरा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है, कालिदास का महाविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लूर का तिरुक्कुरल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है। यहीं पे देखिए आपके 4 फैक्ट जो है और फैक्ट और तैयार हो गए कि मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास हो गए, अर्थशास्त्र के कौटिल्य हो गए, कामसूत्र वात्स्यायन का है और तिरुकुरल जो है वो वल्लुवर का है। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है कि ऐसे डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है किसकी कौन सी रचना है, मिलान करने को भी दे सकता है, तो ध्यान देते हुए चलिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि PYQ जो है आपका एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक, आगे, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या फिर कनिष्क के। तो डीमेकस जो है वो भारत आया था बिंदुसार के। अब आप लोगों को यहाँ
एक जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि डिमेकस कहाँ का निवासी था, ठीक है, कहाँ से भारत में आया हुआ था ये बताना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। तो राइट आंसर क्या है, ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अवशेष जो है कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। फिर अब अगला फैक्ट है कि बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या फिर वाराणसी का। बुलंदीबाग, तो बुलंदीबाग जो है ये प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। फिर मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र ये किस शासक ने पहली बार जीता था, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को, हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था, ठीक। अगला सवाल, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित कैसे होता है, ग्रीक विवरणों से, ठीक है, रुद्रादमन के जूनागढ़ के शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, या फिर आप ऑप्शन डी डाल लो, यहीं पे पेज चेंज हो जा रहा है, यहीं पे डाल लो ना उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या है, इसका राइट आंसर है रुद्रादमन के जूनागढ़ के शिला अभिलेख से। इस अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फिर है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी, ठीक है। तो राइट आंसर है अशोक। अशोक ने इनके जो राजधर्म था वो तीन, उसके तीन आधार थे, सहिष्णुता, उदारता और करुणा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख में ये अशोक का अभिलेख है, इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। फिर है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, तो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या फिर धन्वंतरी ने। तो पहला अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो अशोक का अभिलेख, दीपवंश, महावंश या फिर दिव्यावदान, ठीक है। तो इसमें से किस स्रोत में बताया गया कि अशोक के राज्य में तृतीय बौद्ध समिति हुई थी, तो इसका देखिए राइट आंसर है दीपवंश और महावंश, यानी 2 और 3। दीपवंश और महावंश में बताया गया है कि जो तृतीय बौद्ध समिति हुई थी वो अशोक के राज्यकाल में हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, रज्जुक के बारे में पूछा गया है, रज्जुक कौन थे, चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या फिर शक सेना में अधिकारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मौर्य सेना में ये अधिकारी थे। तो यही आप लोगों के लिए सवाल है कि रज्जुकों का कार्य क्षेत्र क्या था, मतलब ये कौन सा काम संभालते थे मौर्य शासन में, कौन से अधिकारी थे, इसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अगला सवाल, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ये है अशोक, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, अमरावती, भरहुत, सांची या फिर सारनाथ। तो देखिए सांची स्तूप को जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। फिर वहीं अगला सवाल है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर पुष्यमित्र ने।
तो राइट आंसर है यहाँ पे अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और इसी सांची के स्तूप पर हम पहले भी एक सवाल डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि कौन सा ऐसा स्तूप है जो कि बुद्ध भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो उसका भी आंसर सांची का स्तूप था। ठीक, तो ऐसे ही याद करते रहिएगा। अगर इस वीडियो पे अभी आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो जाके पिछले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला सवाल है सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में स्थल दिए गए हैं और सूची दो में स्तूप मठ का नाम दिया गया है, आपको मिलान करना है। कौशाम्बी, सबसे पहले कौशाम्बी में क्या है, कौशाम्बी में है आपका घोषिताराम मठ, ठीक है। फिर उसके बाद कुशीनगर में रानाभार सूप है, सारनाथ में धमेक सूप हो गया और श्रावस्ती हो गया सहेत महेत। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इनको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है और ये सवाल तो रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। और श्रावस्ती सहेत महेत तो बहुत बार हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, इसको जो है किस मतलब किस रास्ते से गए थे, इसको आपको सही मिलान करना है। ऑप्शन में दिया गया गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती, ठीक है, सम्राट अशोक के मार्ग का। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सबसे पहले गया, गया से आए फिर कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी के बाद आपका कपिलवस्तु आता है, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, फिर लास्ट में श्रावस्ती, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही होगा, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, फिर लास्ट में श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में, ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्राह्मी। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है प्राकृत, ऑप्शन सी सही होगा। फिर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया, ब्राह्मी लिपि पहली बार पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर सिक्कों पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है पत्थर की पट्टियों पर, ठीक है। देखिए ब्राह्मी लिपि पहली बार पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई, लेकिन पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो दोनों सवालों में कंफ्यूज मत करना। आगे, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, बुहलर ने, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या फिर कॉड्रीगटन ने। तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। फिर है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही है। गुलबदन बेगम तो बाबर की पुत्री थी, बिल्कुल सही। अगला सवाल दिया गया है, हमीदा भानु बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है, बल्कि शाह तुर्कन जो है इल्तुतमिश की पत्नी थी, सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है। अब अगला सवाल, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा सबसे पहले, एक अनहिंगन ने, एंदानी ने, व्यूलर ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। फिर है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह कौन सा स्थान है, नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या फिर मास्की। तो ये देखिए, ये प्लेस है अनुराधापुर, ठीक है, अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो दोस्तों ये यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के MCQ। बस पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।